बस बस भाई हमेशा हग दिया ले हग दिया। मैं चंदू सोलंकी बोलता हूँ, देवी प्रसाद जी घर में है। अरे कौन देवी प्रसाद? ये देवी प्रसाद का घर नहीं है। देवी प्रसाद घर में नहीं है, किधर है? अरे काहे रे देवा रे देवा, देवी का प्रसाद मंदिर में मिलता है, गैराज में नहीं। स्टार गैराज है, मैं गैराज का ओनर बाबूराव आपटे बोल रहा हूँ। देवी प्रसाद का घर नहीं है। हेरा फेरी लेजेंडरी मूवी जिसका ये आइकॉनिक सीन देखते देखते मुझे एक आइडिया चमका। आज अप्रैल फूल्स है एंड मेरा मोबाइल प्लान मुझे अनलिमिटेड कॉलिंग तो देता ही है, तो क्यों ना इस पूरे अप्रैल लोगों को फूल किया जाए प्रैंक्स के नाम पे। एंड आज के इस क्रेजी प्रैंक के लिए हमने बुलाया है यूट्यूब इंडिया के नंबर वन प्रैंकस्टर सुनियो भैया। बस भाई हग दिया तेरी सिंगिंग पे हग दिया। तुम बॉम्बे नहीं आ सकते, बॉम्बे डूब जाएगा। बॉम्बे तो आप जा रहे हो भैया, आजकल बहुत बड़े बड़े लोगों से मिल रहे हो। इतने बड़े लोग, सबसे बड़े बहुत बड़े भैया, अंबानी जी से मिल रहे हो। एक काम करो, मुझे गोद ले लो। और एक काम करो, 2,000,000 करोड़ के छींटे मेरे ऊपर भी फेंक के मार दो। आज के इस प्रैंक में हम करने वाले हैं प्रैंक बिग बॉस OTT सीजन 2। नहीं बोलना था बिग बॉस, बिग बॉस छोड़ दो बिग बॉस। हम प्रैंक करने वाले हैं मेरे भैया हुकरा इंसान को, क्योंकि व्यूज आते हैं। तो बनता है ना, इतना मिल्क करेगा ये आदमी। भाई है मेरा, एक वीडियो में उसका नाम यूज करना इज नॉट मिल्किंग। ठीक है। तो हम पिछले 1.5 घंटे से सोच रहे थे कि क्या प्रैंक कर सकते हैं उसको, एंड एक आइडिया चमका मेरे दिमाग में। और वो ये है कि हमारे जो फ्लाइंग बीस सर है गौरव तनेजा सर, उनको अभी कुछ महीने पहले नोएडा पुलिस ने पकड़ लिया था, क्योंकि उन्होंने पुलिस की परमिशन लिए बिना एक मीटअप करवा दिया था। एंड अभिषेक कल दुबई से जब वापस आ रहा था तो उसका एयरपोर्ट पे ऐसा ही कुछ सीन हो गया था, मीटअप हो गया था, बहुत सारे पांडा गैंग वाले आ गए थे उससे फोटो खिंचवाने। तो ऐसा डिस्कशन कर रहे थे हम क्या प्रैंक कर सकते हैं। भैया ने एक बहुत ही गंदा आइडिया दिया था, आप बोलो कि आपकी दो गर्लफ्रेंड है, आप डबल डेट कर रहे हो, एक पे चीट कर रहे हो, ये कर रहे हो। भैया तुम मेरे को कैरेक्टर लेस बनवा दो। बंदे के एक भी नहीं है, ख्याली पुलाव में दो बना। हाँ तो मैं कह रहा था कि अभिषेक को अब हम गुड़गांव पुलिस वाले बन के उनको ये फोन करते हैं कि भाई आप पे ये धारा लग गई है, एंड ये मेरी वी की नई सिम है, ये नंबर किसी के पास भी नहीं है, मम्मी पापा के पास भी नहीं है, स्पेशल लेके आया हूँ मैं सिर्फ इस वीडियो के लिए। आर यू रेडी भैया? सुपर रेडी। अच्छा नाम हमें रखने चाहिए जोरावर, थोड़ा हाँ थोड़ा लगेगा दम है। और मैं रखता हूँ धर्मपाल, थोड़ा भारी भरकम तो है, ठीक है चलेगा। एक दो मिस्ड कॉल मार लेते हैं उसको पहले, कट कर देते हैं, मेरी फट गई। मैं हूं ना आपके साथ, लेकिन हेलो जी, अभिषेक मलहन बोल रहे हैं? अब कौन है? समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं, हिंदी एक्टिंग कर रहे हो भैया। अच्छा इस बार तमीज से। हेलो अभिषेक मलन जी बोल रहे? अरे कौन बोल रहा भाई, मैं गुड़गांव थाने से धर्मपाल से बोल रहा था। बताइए। ये आप कल एयरपोर्ट पे मीटअप वीटअप कर रहे थे कुछ ऐसा सुना है हमने। सर एयरपोर्ट पे कौन मीटअप करता है जी? आपके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है, मैं अपनी तरफ से तो कुछ लगा नहीं रहा हूँ। किसने दर्ज कर दी भाई शिकायत? आपके खिलाफ, रुको एक सेकंड। अबे धारा कौन सी थी? 144 भाई, टाइम नहीं है इतना। अरे भाई ध्यान से सुन ले, फोन काट दिया। इतना लैग करोगे भाई पुराने कंप्यूटर की तरह, तो काट ही देगा ना। अरे काट ही देगा ना। ओ भाई बात सुन, फोन कट करने से पहले सेक्शन 144 धारा सुनी है? नहीं। तो कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है। सुनिए धारा, गुड़गांव सुन ले ध्यान से, गुड़गांव पुलिस स्टेशन से धर्मपाल बोल रहा हूँ, SHO। तेरा नाम क्या है? ये फुकरे? फुकरा। अबे कौन फुकरे, क्या है ये फुकरे? कौन है? कौन टाइम बर्बाद कर रहा है? कौन है? कौन है?
मैं तो नाम भी ना समझ आ रहा, नाम रखा है फुकरा। अरे जिसका नाम फुकरा है काम तो फुकरों वाला ही होगा। हाँ भाई क्या दिक्कत है, समझ नहीं आ रहा भाई तुम कौन। अरे तुम करके ना बात कर, आप बोल। ऐसी भी राघवेंद्र बोल रहा हूँ। ये क्या दिक्कत है तेरी भाई, तेरे ऊपर धारा 144 CRPC एक्ट के तहत तेरे ऊपर केस दर्ज किया गया है। वीना जी है कोई एयरपोर्ट अथॉरिटी से, कल तूने वहाँ पे 40-50 लोगों की भीड़ जमा कर ली है। कर ली थी भैया, जो करना कर लो। ये तो सीरियसली नहीं ले रहा यार, आपने ना स्टार्टिंग में खराब कर दिया। पता तो नहीं चल गया मेरे को, वो बताना आधार नंबर वगैरह बताना उसको, तो पता चलेगा कि हमारे पास सारी डिटेल है। आधार कार्ड अब पता चलेगा, जब उसको पता चलेगा ना तेरे घर का एड्रेस क्या है। ये रहा इसका आधार कार्ड। हाँ ठीक, अब करो कॉल। भाई, भाई क्या बदतमीजी हो रही है तेरी बार बार फोन काटने की। तू बोल रहा है ये क्या नाम है तेरा, अभिषेक मलान वल्द विनय मलान, ये तेरा आधार कार्ड नंबर है। तेरे पास का थाना पीतमपुरा थाना है, ठीक है। 10 मिनट में घर के नीचे आ रही है, PCR आ रही है, वैन आ रही है, चुपचाप बैठ के यहाँ आ जा गुड़गांव थाने। भाई पुलिस पीतमपुरा जा रही है थाने, गुड़गांव क्यों भाई। क्योंकि गुड़गांव में रजिस्टर हुआ है ना केस। तू थोड़ा बाबला है के? तेरे पापा को फोन करूं मैं? विनय जी हाँ, इनका भी पूरा डिटेल है हमारे पास। भाई तू हल्के में ले रहा है यार, तेरे को फोन कर रहे हैं कि बात सुलट जाएगी अगर फोन पे। तेरे को अपनी एकड़ी ले यहाँ पे दिखानी है। क्या करता भाई तू, छोड़ रहा है तू काय के लिए, तूने स्टार है तू, भीड़ इकट्ठा रुकान है, भीड़ इकट्ठी किया तूने। हाँ 365 गूगल कर लिए, सब लगेंगी तेरे पे। भैया एक काम करो, मेरे पे 170 भी लगाओ। मजाक सुनते तू कह रहा है 110 लगा दो धारा, ऐसे क्या हलवा होता है धारा धारा क्या। भैया गाजर का हलवा खाओगे। सर इसको भेजो पुलिस भेज के। 10 मिनट के नीचे तेरे घर के नीचे आ रही है वैन, ठीक है, पुलिस की गाड़ी आ रही है PCR। पुलिस की गाड़ी 10 मिनट में आ जाएगी। अरे तेरे घर से कितना दूर है स्टेशन, तू हल्के में ले रहे। अरे आप गुड़गांव से गुड़गांव गाड़ी भेजो ना। अरे गुड़गांव क्यों भेजेंगे गाड़ी, तेरा पूरा यहाँ एड्रेस, ये आधार कार्ड पे जो एड्रेस लिखा है यहाँ भेजेंगे ना। भैया एक काम करते हैं ना, मैं आपको 1100 रुपए पेटीएम कर देता हूँ, दोनों भाई बांट लेना आपस में। 1100 ही दे रहा है आपका ले लेगा 1000, बाकी जो आप हैं वो तो 100 में मान जाओगे। पकड़ा गया। ग्यारह सौ में मानोगे नहीं भैया? नहीं मानेंगे। ये वाला तो भाई 100 रुपए। कब पता चला जब निश्चय ने पहले हेलो बोला। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छी लगी, बहुत मजा आया। अगर क्रिकेटी नाम उसका भाई ना होता तो वो उसको कभी ना पहचान सकता और सही मजा आता, डाटा लेकिन नहीं बना। तो अब क्या हो सकता है, आप लोगों ने किसी को बनाया, अगर बनाया तो हमें कमेंट्स में बताएं। हम लोगों ने भी बनाया, हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। इसी तरह की और वीडियो करें, हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, लाइक किए, कमेंट सब कुछ कर दें और बेल आइकन को क्लिक करें। हमें तो याद रखें।